सो गाइज, अगर बात की जाए ठंड की, तो मैं आपको थोड़ा सा बाहर का माहौल दिखा देता हूँ, क्योंकि टाइम अभी रात का हो रहा है, 12 12:30 का टाइम है ये। और आप बाहर का माहौल देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक ठंडी हवा चल रही है। जैसे कि आप माहौल देख सकते हैं, कोहरा आ चुका है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाला। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो यार गाइस, टाइम की बात की जाए तो रात के 12:30 बज रहे हैं, और मैं जो ये ब्लॉग है वो हॉस्टल ब्लॉग बनाने वाला हूं। दूसरे रूम में जाऊंगा और देखेंगे स्टूडेंट लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि दिन में जो है वो सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में होते हैं। तो इसी वजह से जो है वो मैं ये ब्लॉग रात में शूट कर रहा हूँ। तो चलिए यार, चलते हैं नेक्स्ट रूम में, देखते हैं कि यार स्टूडेंट लोग क्या कर रहे हैं। भाई, 3rd फ्लोर पर चलते हैं और देखते हैं वो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। हमने उनसे बिल्कुल बताया नहीं है कि हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं, एकदम अनएक्सपेक्टेड जाकर देखेंगे, उनसे बोलेंगे हेलो भाई कैसे हो, इंट्रोड्यूस करेंगे क्या करते हैं वो क्या नहीं करते हैं। सो ये 3rd फ्लोर आ चुका है गाइस। सो जैसे कि गाइस आपको दिख रहा है 33 नंबर। सो कैसे हैं ब्रो आप? सो ये जैसे डर चुके हैं, इनको लग रहा है कि ये क्या हो गया, ये ब्लॉग शूट हो रहा है यहाँ पर, और हम अपने भाई को देखेंगे ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। सो आप इंट्रोड्यूस करा दीजिए, आपका नाम क्या है? आई मोहम्मद जावेद। आगे लाओ थोड़ा कैमरा। मैसेल्फ मोहम्मद जावेद, आई एम फ्रॉम रामपुर। अच्छा, आप क्या करते हैं यहाँ से? TM यूनिवर्सिटी से BCA कर रहा हूँ। BCA? BCA। अच्छा, अभी क्या पढ़ रहे हो आप अभी इसमें? यहाँ पे गाइज ये स्टडी कर रहे हैं, और भाई को ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। फंडामेंटल की कितने ईयर का होता है ये कोर्स? 3rd ईयर का। 3rd ईयर का। अच्छा ब्रो, आप व्हाट्स अबाउट यू? हंस लो थोड़ा सा पहले। आई सेल्फ मोहम्मद जिसान, आई एम फ्रॉम रामपुर। मतलब आप क्या करते हो TMU से? BCA। और रात में आप कुट कुट क्या करते हो? नहीं से आवाज जाती है। कुट कुट थोड़ी मस्ती होती है। तो यहाँ पे जावेद भाई देख लेते हैं, व्हाट्स नेम इट? फुरकान भाई यहाँ पे बिल्कुल एकदम पैक हैं, और ये थोड़ा ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंजॉयफुल होने वाला, तो यहाँ पर इन्होंने रजाई ओढ़ रखी है, काफ़ी हंस रहे हैं ये। तो गाइज, अभी आ चुका हूँ मैं अमन भाई के रूम के बाहर, तो मैं गेट नॉक कर लेता हूँ। और जैसे कि गाइज आपको दिख रहा है यहाँ पर, आई थिंक अमन भाई स्टडी कर रहे हैं, तो एक बार अमन भाई से हाय हेलो कर लेते हैं। हेलो अमन भाई। हेलो हेलो, कैसे हो आप सब? सो अमन भाई, आप किस चीज़ की स्टडी करते हो? वैसे तो आपका ब्लॉग में सारा इंट्रोड्यूस हो रखा है, फिर भी आप इस स्टडी ब्लॉग के थ्रू आप अपना इंट्रोड्यूस करा दीजिए इसमें। आई एम डूइंग PharmD, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इट्स अ 6-year pre-PhD पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डॉक्टरेट कोर्स फ्रॉम तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। सो व्हाट्स यू टेल अबाउट योर LM? तो यहाँ से जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ, यहाँ पे LM की जैकेट है, तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, आपको ये कहाँ से मिली? कहाँ से? ये LM से ही मिली थी। वैन आई वॉज डूइंग माई प्री मेडिकल प्रिपरेशन, मैंने यहाँ एडमिशन लेने से पहले LM से तैयारी की थी नीट की, उस टाइम पे ये मिली थी, तो उसी टाइम की जैकेट है, अभी तक चल रही है, चला रहे हैं। LM ने क्वालिटी बढ़िया दे दी कपड़े की, अभी तक चल रही है। सो अमन भाई, आप थोड़ा स्टूडेंट के लिए कुछ इंस्पिरेशन देना चाहेंगे स्टडी के कंसिस्टेंटी, जो कि यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो उसमें किस तरीके से अपने आपको पैक करके स्टडी कर सकते हैं, कैसे कंसिस्टेंस कर सकते हैं हम ठंड में? बेसिकली ठंड में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम पैरों में सबसे ज़्यादा ठंड लगती है, तो मोजे कर ही सकते हैं। मोजे वो वाले आते हैं, ठंड वाले अलग आते हैं, मोटे वाले मोजे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ठंड में ये वाले इस टाइप के मोजे आते हैं, ये देखो तुम पकड़ के, ये थोड़े मोटे रहते हैं। अच्छा, ओह माय गॉड। तो ये वाले मोजे, और जैसे ये वाले हैं, ये पतले वाले होते हैं, तो ठंड में ये वाले मोजे ले सकते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा पैर वगैरह गर्म रहते हैं, जूते वगैरह पहन के हम बैठ सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। और साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने भी अभी देखा तुमने कितने सारे कपड़े पहने हुए हैं, स्वेटर पहना हुआ है, उसके ऊपर जैकेट है, इसके अंदर इनर भी है, तो काफ़ी कपड़े मैंने पहने हुए हैं, साथ में कैप है, तो यही है। इसी तरीके से अपने आप को गर्म रखिए, और बाकी ठंड वंड पर फोकस मत करिए, ठंड आती रहेगी, गर्मी आती रहेगी, मौसम बदलते रहेंगे, सिचुएशन कुछ ना कुछ होगी, लेकिन आपको इस सिचुएशन के कंट्रोल में नहीं आना, सिचुएशन को कंट्रोल करना है। थैंक यू सो मच अमन भाई, आप अपना स्टडी से इतना टाइम देने के लिए, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी स्टडी ब्लॉक के लिए। सो फिर मैं नेक्स्ट रूम में चलता हूँ और देखते हैं कि और लोग क्या कर रहे हैं। सो अभी चलते हैं 8 नंबर रूम, जैसे कि आपको दिख रहा है, और यहाँ पर हमारे आई थिंक फराज भाई, जैसे आप जानते हो पिछले ब्लॉग में ये स्टडी कर रहे थे, और हम आप यहाँ पर जरीफ भाई सो रहे हैं। तो जरीफ भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है भाई।
तो जरीब भाई, आप जो किस चीज़ की स्टडी करते हैं यहाँ पे, मतलब मेन पर्पस क्या है आपका? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं। जैसे कि आपने भाई देखा हो फराज भाई को, तो आप जानते हैं, पहले ही इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, फिर भी एक बार हॉस्टल का ब्लॉग बन रहा है तो आप इसमें इंट्रोड्यूस करा दीजिए। आप क्या करते हैं? बीसीए करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे। तो ये कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप अभी सो रहे थे इतना टाइम देने के लिए। हम चलते हैं फिर नेक्स्ट रूम में, चलते हैं गाइस। सो अभी आ चुका हूं मैं 7 नंबर में और देखते हैं यहां पर। सो इस रूम का लाइट ऑफ है तो मैं लाइट को ऑन कर देता हूं। और ये पंखा चल गया मुझसे, ये लाइट ऑन गई। पर हमारे नईम भाई, अरशद भाई और ये सो रहे हैं, चलो इन्हें ब्लॉग में रहने दो। बाय बाय, सो जाओ यार ब्रो, स्टडी करो आप, ठीक है? मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। सो अभी चलते हैं गाइज नीचे रूम। ये रूम तो लॉक है, तो इस रूम में शायद घर गए हैं ये अभी, तो नीचे चलते हैं। और सो ये फ्लैट है एक, इसमें रूम नंबर नहीं है, ये फ्लैट है, फ्लैट नंबर 3। तो मैं यहाँ पर अंदर ही जैसे एंटर करता हूँ तो ये काफ़ी शानदार फ्लैट है। सर फ्लैश ऑन कर दो, फ्लैश ऑन है। सो यहाँ पर मैं देखता हूँ सारे लोग सो रहे हैं। ये क्या है, यहाँ पर सो रहे हैं, मैं देखता हूँ ये जाग रहे हैं, ये सो रहे हैं। सो हेलो, सो रहे हैं यार, इनको सोने दो गाइस। सो यार गाइस यहाँ पर तो सब सो रहे हैं और ये माई हमारे, हेलो ब्रो, हेलो कर दो ब्लॉग में। वो फराज भाई किधर चले गए, वो दिख नहीं रहे। तो इट इज़ बिजी पबजी, सो यू कैन गो। चलते हैं फिर दूसरे ब्लॉग में। सो यार गाइज ये फ्लैट मुझे पसंद आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम में जैसे ये खाली होगा इसको मैं ले लूँगा। अभी दूसरे रूम में चलते हैं। सो यार गाइज मैं आ चुका हूँ अभी दूसरे फ्लैट में। जैसे कि गाइज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर करता हूँ गाइज, सो यहाँ पर हमारे फराज भाई और बहुत सारे स्टूडेंट जो जाग रहे हैं और 2 फ्रेंड्स सो रहे हैं यहाँ पर। सो जाओ भाई, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सो जाओ आप, गुड नाइट। सो यहाँ पर हमारे फिरोज़ भाई, जैसे कि आप जानते हो ये बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे TMU के ब्लॉग, सारा इन्होंने अटेंड किया था, सारा इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था। तो कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, बढ़िया। सो आप स्टडी नहीं कर रहे, अभी क्या कर रहे हो? ये यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख रहे थे, क्या नाम, कल एग्ज़ाम है उसी के, उसमें उससे रिलेटेड ट्यूटोरियल चल रहे थे। तो लेकिन आपकी बुक्स वगैरह तो यहाँ पर है नहीं सब, क्या नाम है, सॉफ्टवेयर स्टडी है, क्या नाम है, सब ऑनलाइन है। अच्छा ऑनलाइन है, ओके। तो आप जी? मेरा नाम मोहसिन अली है और हम भी सब यहाँ पर अभी फिलहाल ट्यूटोरियल देख रहे थे। किस टाइप का ट्यूटोरियल? कल एग्जाम है तो कुछ एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर हम कुछ डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, तो मैंने देखा आप दूसरे रूम में हो अभी अपने फ्रेंड के, मैं वहाँ पर देखा है फ्लैट में तो सारे सो रहे हैं। तो ठीक है यार, थैंक यू अपना इतना टाइम देने के लिए, इसके लिए ठीक है ब्रो, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, स्टडी करो। गुड नाइट। इस रूम में तो हम एंटर नहीं कर सकते। सो यार ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे किचन है, तो ये देखिए गाइस किचन काफ़ी बढ़िया। और यहाँ पे चावल आई थिंक लग गए थे ये चावल, तो ये फिलोए नहीं आ रही उन्होंने, होता है। यहाँ पे सिंक में कुछ बर्तन पड़े हैं, तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा गाइस। तो मैं यार ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ और वापस अपने रूम में चलता हूँ, स्टडी भी करना है मुझे। बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड था ये ब्लॉग के, स्टडी ब्लॉग बनाओ। अभी तो कुछ रूम लॉक हैं इस वजह से वो मैं दिखा नहीं पाया, उसके लिए नेक्स्ट ब्लॉग 2 आएगा उस टाइम जब सारे स्टूडेंट यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे यार देख लेते हैं कुछ शूज़ वगैरह पड़े हैं, कितने सारे शूज़ हैं यहाँ पे। तो ये बस सब फ्रेंड के हैं और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग का हम इस हॉस्टल ब्लॉग का पार्ट 2 लेकर आएंगे, अभी तो ज़्यादा फ्रेंड नहीं है और ठंडी भी ज़्यादा है। तो फिर ठीक है यार, कमेंट करके बताना।